कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। तीन बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी वो पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वो ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट पाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नए फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे। अपने बाप और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले से भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसे ही थी जैसे कि वो मायके में कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आया, मेरे हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों की उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था लेकिन वो फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखें और रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन भी करके पूछ लेते थे कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को सास पास बैठने के लिए कहती तो जवाब में मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी अपना हाथ पटा सकती हो। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं के उसके न देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ा जैसे कि वो कविता पर चाहता था, लेकिन राहुल उसके घर साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी पर अपनी कमी के कारण उससे ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले इतने दिनों के बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता के पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गए कि वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक वो तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सब वह व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घूमा फिरा कर पूछने लगा कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने के। वह बहाना बना देती जबकि वह जानती थी कि उसे घर में सब अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती और टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाई भी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले आओ गया। कविता अपने परिवार वालों से उम्मीद ना थी कि कविता के कहे बिना घर में एक भी पत्ता नहीं हिलता था। उस घर के लिए वह बोझ बन भी चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त तो बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु वह खुशी की भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई जो उसके खाने पहनने की ज़रूरतों का ध्यान रखती। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी कामवाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल को पता चल गया था सबकी लाडली बेटी बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी।
आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी दबाकर ऑल सेट पर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल सके। दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।